इन्फो मोबाइल रिपेयरिंग इंस्टीट्यूट। फ्रेंड आज इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ कि मोबाइल रिपेयरिंग में क्या क्या सीखा जाता है और क्या क्या आपको उसमें ट्रेसिंग किया जाता है। तो सबसे पहले फ्रेंड बताना चाहेंगे कि मोबाइल में दो तरह का अति काम किया जाता है, जैसे एक हो गया हार्डवेयर, ठीक है, एक हार्डवेयर होता है और दूसरा होता है क्या, सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है, सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर क्या होता है, जो कंपोनेंट के बारे में पढ़ते हैं फ्रेंड, जो कंपोनेंट के बारे में पढ़ते हैं, जैसे हो गया कैपेसिटर, रजिस्टर, जितना भी है आईसी है जो दिखाई दे रहा है हमको, उसको हम हार्डवेयर में कहते हैं, ठीक है। और दूसरा जो सॉफ्टवेयर, जो हम लोग जिस अनुसार से अभी चल रहे हैं, जनरेशन के अनुसार से चल रहे हैं, उसके अनुसार से सॉफ्टवेयर डाला जाता है। जैसे जैसे एंड्रॉयड वर्जन होता है वैसा ही होता है उसमें, जैसे सैमसंग में यू होता है, U5 होता है, U4 होता है, ठीक है, वो सब होता है सॉफ्टवेयर होता है जो आपका प्रोसेसर काम करता है। जैसे सॉफ्टवेयर में क्या हो गया, जैसे कोई भी ऐप चलाना हो तो सॉफ्टवेयर का ही काम किया जाता है, ठीक है। और प्रोग्रामिंग जो करता है, जो काम करने का हैंडल करता है, सॉफ्टवेयर के थ्रू करता है। हार्डवेयर तो है वो जो कंपोनेंट है जिसमें आपका लगाया गया है, जैसे मेमोरी हो गया, और मेमोरी में जो डाला गया सॉन्ग, जैसे गाना डालते हैं, तो वो क्या हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया। तो वैसा ही जो हमारा मोबाइल में, हमारे मोबाइल में जो भी जो ऐप ये सब होते हैं वो सॉफ्टवेयर होते हैं, या फिर जो हमारा चलाने का काम करता है ना, वो सॉफ्टवेयर के ही थ्रू किया जाता है। तो देखिए इसमें दो तरह के होते हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। तो अभी हम पहले सबसे पहले हम बताना चाहेंगे कि हार्डवेयर में क्या क्या आपको बेसिक में पढ़ना होता है और क्या क्या उसमें लेवल होती है, ठीक है। तो सबसे पहले ये जान लें कि हार्डवेयर में जो होते हैं ना, हार्डवेयर में कंपोनेंट के बारे में पढ़ना होता है, और जो भी सिर्फ जो मशीनरी से आप चेक करते हैं वो सभी हार्डवेयर में ही आते हैं, ठीक है। तो इसमें अब ट्रेसिंग के लिए एक हो गया हार्डवेयर हो गया, एक सॉफ्टवेयर हो गया। अब सॉफ्टवेयर से भी ट्रेसिंग किया जा सकता है, जैसे प्रोग्रामिंग जब करते हैं, जैसे यूएसबी पर आप सीपीयू ये ईएमसी को डालते हैं, बीजीयू को डालते हैं, तो उसमें प्रोग्रामिंग जब किया जाता है तो उसमें भी आप देख सकते हैं कि आप उसमें जो डाटा है क्या उसमें अवेलेबल है और क्या अवेलेबल उसमें करना है, ठीक है। तो उसमें हो गया सॉफ्टवेयर, में हार्डवेयर हो गया जो कंपोनेंट से बने होते हैं। जैसे हार्डवेयर में क्या होते हैं कि आपका बेसिक में क्या क्या होता है कि हार्डवेयर होते हैं जिस जो इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू पास किया जाता है। जैसे देखिए कोई भी सेक्शन को चलाने के लिए करंट चाहिए, वोल्टेज चाहिए, ठीक है, तो उसमें आपका क्या होता है कि इलेक्ट्रिक करंट आपको उसमें दिया जाता है। तो उसमें इलेक्ट्रिक करंट आपका होता है, और देखिए उसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रिक करंट होता है, वोल्टेज भी होते हैं, तो इलेक्ट्रिक करंट होते हैं जो बहुत कम मात्रा में होते हैं। उसमें क्या होते हैं कि ये आपको वोल्टेज जो चलाना होता है, जैसे कोई भी सेक्शन को चलाने के लिए वोल्टेज चाहिए और नेटवर्क सेक्शन को चलाने के लिए आपको करंट चाहिए, ठीक है। तो ज़्यादा होता है करंट चाहिए नेटवर्क सेक्शन को चलाने के लिए, क्योंकि उसमें फ्रीक्वेंसी की जरूरत होती है, ठीक है। तो ये भी आपको जानना है कि इलेक्ट्रॉनिक्स जो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या क्या पढ़ना हम लोग कराता है, जो इसमें आपको हार्डवेयर सॉल्यूशन में पढ़ना होता है। तो उसमें क्या होता है कि आपका कि जो जैसे इसमें बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ना होता है कि जैसे इलेक्ट्रिक करंट हो गया, ठीक है, वोल्टेज भी होता है। अब उसमें पढ़ना है कि सीरीज कनेक्शन में पढ़ना है कि आपका जो कंपोनेंट है कहाँ जो लगा हुआ है वो किस लेवल पर लगा हुआ है, मतलब कि पैरेलल लगा हुआ है या सीरीज लगा हुआ है। तो पैरेलल में भी होता है और सीरीज में भी होता है, दोनों होता है, मतलब सीरीज और पैरेलल दोनों होते हैं। और देखिए उसमें आपका मल्टीमीटर के द्वारा ही चेक किया जाता है, तो वो सीरीज में है कि नहीं है वो मल्टीमीटर के थ्रू ही देखा जाता है। तो मल्टीमीटर क्या करता है कि आपको ट्रेसिंग करने के लिए आपको दिया जाता है कि आपको जो सीरीज में लगा हुआ है कंपोनेंट या पैरेलल में लगा हुआ है। अब देखिए उसमें सर्किट बताया जाता है कि सर्किट आपको किस ढंग से आपको लगाया गया है, जैसे आईसी है, पावर आईसी है, किस लेवल पर लगाया है, किस सेक्शन में लगाया गया है, किस सेक्शन के लिए चलाने के लिए लगाया गया है, सभी तरह को अलग अलग पढ़ा जाता है, ठीक है। तो उसमें सर्किट किस लेवल पर है वो सभी का अलग अलग होते हैं, ठीक है। अब देखिए अब क्या होता है ट्रैक अब बताया जाता है कि जो कंपोनेंट का जो होता है, जैसे कंपोनेंट है, कैपेसिटर है, वो जो ट्रैक है कहाँ से कहाँ बनाए जाते हैं, ठीक है, जो बीच में होते हैं वो ट्रैक कहलाते हैं, वो ट्रैक किया जाता है। जैसे ट्रैक जैसे ब्रेक होता है तो ये यहाँ से यहाँ सेक्शन होता है जो ओपन हो जाता है, ठीक है। तो ये सेक्शन ओपन होने की वजह से आपका ट्रैक है जो
जो कहा जाता है कि ओपन हो गया है, ठीक है। उसके बाद आता है कि आपको बेसिक जो कंपोनेंट्स होते हैं उसमें आपका क्या क्या पढ़ना रहता है, ठीक है। तो सबसे पहले ये जान लें कि बेसिक कंपोनेंट्स में आपका जो कंपोनेंट होते हैं, वो जो सभी कंपोनेंट होते हैं क्या होते हैं, SMD में होते हैं, मतलब स्मॉल टाइप के होते हैं। और जैसे रेडियो TV होते हैं उसमें अलग होते हैं, तो इसमें आपका क्या होता है, मोबाइल में आपको SMD का होता है, ठीक है। उसके बाद उसमें जो पढ़ना होता है, SMD जो भी होता है, जो आपका कंपोनेंट होते हैं उसमें क्या क्या होते हैं ये जान लें। तो उसमें क्या होता है कि आपका रजिस्टर होता है, रजिस्टर बहुत सारे प्रकार के होते हैं, उसमें टाइप पढ़ना है आपको कि आपका रजिस्टर कितने प्रकार के होते हैं, रजिस्टर क्या क्या काम करता है, और वो रजिस्टर क्या मतलब क्या काम करता है, सभी इसमें आपको बताया जाता है बेसिक में आपको, कि आपका कलर कैसा होता है, उसमें आपका जो है किस रेंज में मापा जाता है, आपको जो वैल्यू होती है कैसे कैसे बनाए जाते हैं, ठीक है। ओम रेंज में होते हैं जो रजिस्टर है, ओम रेंज में होते हैं, ये होते हैं कैपेसिटर, आपको माइक्रो फैराड में होते हैं, तो एक कैपेसिटर हो गया। और उसके बाद आपका जो आता है डायोड हो गया, डायोड का पढ़ा जाता है, डायोड किस तरह से होते हैं और कैसे बने होते हैं सभी इसमें दिया जाता है, डायोड का कितना टाइप्स होते हैं वो इसमें बताया जाता है। उसके बाद आता है क्वाइल, क्वाइल को ही इंडक्टर कहा जाता है। क्वाइल जो होता है कि आपका जो जैसे कोई भी सेक्शन को चलाने के लिए आपको क्वाइल, बूस्ट क्वाइल ये सब जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो क्या होता है कि आपका डायोड के बाद आता है क्वाइल, क्वाइल को ही इंडक्टर कहा जाता है। उसके बाद आता है क्रिस्टल, क्रिस्टल क्या होता है, क्रिस्टल आप नेटवर्क सेक्शन में देखिएगा, बहुत जगह आपको यूज किए जाते हैं क्रिस्टल। और जब भी आपको ये सेक्शन पढ़ाया जाएगा जैसे रजिस्टर के बारे में, तो रजिस्टर दिखाया जाएगा कि रजिस्टर कैसा होता है और किस सेट में कैसे लगाया जाता है, वो सभी तरह से आपको बताया जाएगा कि आपको जो बोर्ड पर, मदर बोर्ड पर आपको लगाए जाते हैं वो रजिस्टर किस ढंग से लगाए जाते हैं और किस वैल्यू का लगाया जाता है, और बहुत सारे ऐसे होते हैं। तो उसके बाद आता है कि क्रिस्टल, आपका क्रिस्टल क्या हुआ, क्रिस्टल आप समझ रहे होंगे कि क्रिस्टल जो मेटल का होता है वो क्रिस्टल होता है। देखिए क्रिस्टल दो तीन तरह का होता है, जो नॉन मेटल भी होते हैं, जो सेमी कंडक्टर मटेरियल का बना होता है, ठीक है। तो उसमें आपका पढ़ना होता है क्रिस्टल। उसके बाद आता है ट्रांसफार्मर, देखिए ट्रांसफार्मर जो होते हैं SMD का बहुत छोटे होते हैं, जैसे उसमें आपका 3 टर्मिनल 4 टर्मिनल का होते हैं, SMD में होते हैं। तो समझ जाइए कि आपका ट्रांसफार्मर दिखाने का मतलब कि आपका बड़ा साइज नहीं हुआ, ठीक है, तो छोटे साइज में होते हैं, उसमें भी आपका जो पावर होता है भेजना होता है तो उसको भी ट्रांसफार्मर का जरूरत पड़ती है, तो उसमें भी लगा रहता है। उसके बाद आता है फ्यूज, होता है क्या, आप देखे होंगे कि आपका बैटरी कनेक्टर के बगल में आपका जो लगा होता है वो फ्यूज होते हैं, बहुत सारे देखिएगा कि अलग अलग वैल्यू का होते हैं, और बैटरी के अंदर भी लगाए जाते हैं, जैसे बैटरी आप खोलिएगा बैटरी को तो ऊपर आपका बोर्ड लगा रहता है, उसमें भी आपका फ्यूज डाला जाता है, ठीक है। तो फ्यूज होता है कि आपका जो सेक्शन होता है बचाने के लिए आपको फ्यूज का यूज किए जाते हैं, तो फ्यूज का हो गया। फिर उसके बाद आता है ट्रांजिस्टर, के बारे में पढ़ना है, ट्रांजिस्टर कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से प्रकार के होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, ये सब टर्मिनल कितने होते हैं सब उसमें आपको पढ़ना होता है। उसके बाद आता है आपको बैटरी, टाइप्स पढ़ना है कि बैटरी कैसा होता है, ठीक है। उसके बाद आता है IC, बहुत सारे होते हैं, जैसे CPU भी IC होती है, EMMC भी IC होती है, पावर IC भी IC होती है, बहुत सारे ऐसे सेक्शन में जो है पावर को ट्रांसफ़र करने के लिए या फिर आपको जो डाटा को ट्रांसफ़र करने के लिए उसमें लगाए जाते हैं IC। IC का सब जगह अलग अलग काम होता है, और उसमें पढ़ना होता है कि IC कैसा होता है, किस ढंग सा होता है, और उसमें जो होते हैं सीरीज कैसे आते हैं, ठीक है, उसमें भी सीरीज आते हैं, तो सब सेक्शन में सीरीज अलग होते हैं, उसका काम अलग होता है, ठीक है। उसके बाद आता है MOSFET, होता है जो ट्रांजिस्टर के ही टाइप आते हैं, उसी टाइप के होते हैं, लेकिन आपका MOSFET अलग, उसका वैल्यू होता है थोड़ा सा अलग होता है, और उसका जो है डिज़ाइन थोड़ा सा अलग किया जाता है, ठीक है। आपको देखने में हूबहू ऐसा ही लगेगा, लेकिन कुछ ना कुछ आपका डिफर ही होगा, और उसमें आपका जो है आपका टर्मिनल का नाम अलग अलग होता है, ठीक है। उसके बाद आता है वाइब्रेटर, क्या होता है, माइक्रोफोन क्या होता है, स्पीकर क्या होता है, स्पीकर भी होता है। और उसके बाद होता है ऑन ऑफ स्विच होते हैं, एंटीना पैड होते हैं, एंटीना स्विच होते हैं, और RF स्विच होते हैं, चार्जिंग जैक होते हैं, बहुत सारे ऐसे BC होते हैं, बैटरी कनेक्टर होते हैं, आपका ये डिस्प्ले कनेक्टर होते हैं, बहुत सारे ऐसे आपको देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। तो ये अभी बेसिक में ये सब पढ़ना है। उसके बाद आता है कि आपका जो सेक्शन है
वो मतलब किस ढंग से लगाया जाता है, और उसमें आपको बताया जाएगा कि आपको डिसेंबल कैसे किया जाता है, जो सर्किट में जो कंपोनेंट लगाए जाते हैं उसको डिसेंबल कैसे किया जाता है और असेंबल किए जाते हैं कैसे, तो वो पूरी तरह से बताया जाएगा इसमें। आपको अभी आपको बता दे रहे थे कि क्या क्या पढ़ना है, इसके बाद आपको टाइप बाई टाइप जो आपको बताया जाएगा कैसे आपको रजिस्टर काम करता है, किस ढंग से रजिस्टर होते हैं और कौन कौन से वैल्यू का रजिस्टर SMD में लगाए जाते हैं, ठीक है। जो मदरबोर्ड में SMD कंपोनेंट लगाए जाते हैं आपको वैल्यू के लिए बताया जाएगा, आपको कैसे चेक किया जाता है, आपको उसमें कैसा कलर होता है, कैसा डिजाइन होता है, ठीक है। तो वो अगले वीडियो में मैं बताऊंगा टाइप टॉपिक बाय टॉपिक चलेंगे कि कैसे आपको रजिस्टर वर्क करता है और कैसा कैसा होता है, वो टॉपिक बाय टॉपिक आपको बताते हुए चलेंगे, उसके बाद आप ट्रेस कर पाएंगे।